Tell me in analog, what are the properties of ideal operational amplifiers? सर कैरेक्टरिस्टिक हाँ, क्या होती और है आइडियल प्रॉपर्टीज, ऑपरेशनल एम्पलीफायर की करेक्टर्स, क्या होती है? हाँ, सर इनपुट इम्पीडेंस इनफाइनाइट होती है, आउटपुट जीरो, बैंडविड्थ इनफाइनाइट होती है, स्लू रेट इनफाइनाइट, जीरो ऑफसेट वोल्टेज। स्ल्यू रेट इनफाइनाइट होने का मतलब क्या होता है? क्यों स्ल्यू रेट इनफाइनाइट होता है? सर स्लू रेट था मैक्सिमम चेंज, सर जितना इनपुट भेजे उसे मैक्सिमम चेंज हो सके आउटपुट में। सर स्लू रेट मींस तो मैक्सिमम चेंज एट आउटपुट। क्यों हाई होना चाहिए? आपने बोला ना सर इनफाइनाइट होना जिस चाहिए, क्यों है इनफाइनाइट होना चाहिए? सर हम इनपुट पे जो दे रहे हैं उस वोल्टेज ना ही उस कितनी चीज आउटपुट में चेंज हो सके, इसलिए सर इतनी फास्ट चेंज हो सके। सर ओके, जैसे अगर मैं बात करूं कि स्ल्यू रेट की, स्ल्यू रेट कौन लिमिट करता है किसी भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर का? मतलब क्या ऐसी चीज होती है ऑपरेशनल एम्पलीफायर में जो स्ल्यू रेट को डिस्टर्ब करती है या स्ल्यू रेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है? क्या इनपुट सिग्नल होता है या गेन ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है, क्या होता है? नो आइडिया सर। इनपुट सिग्नल आपका वेरी कर रहा है, ठीक है? अगर वो बहुत जल्दी हाई रेट पर चेंज हो रहा है, इसका मतलब उसकी फ्रिक्वेंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, समझ के बात है? यस सर दूसरा, स्लोली फ्रीक्वेंसी ओ चेंज कर रहा है बट एम्पलीट्यूड हाई ले रहा है वेरिएशन में, तो एक एम्पलीट्यूड भी फैक्टर है। तो यस ये सर दो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, समझ के बात। यहाँ से अगर एम्पलीट्यूड आपके एंड पास कोई स्ल्यू फ्रीक्वेंसी। रेट ले अगर आपके पास स्ल्यू रेट लिमिटेड ऑप एम्प है तो आपको लिमिटेशन यस लग सर जाती है कि ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर किस मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी तक फेथफुल काम कर सकता है और किस मैक्सिमम यस पीक सर एम्पलीट्यूड पर बैंडविड्थ फेथफुल यानी सर काम कर सकता है। ओके, तो ये आंसर बैंडविड्थ आपका इसका लिमिटेड है। हो जाएगा सर। फाइन, चले आगे। 555 टाइमर के बारे यस में सुना है कुछ आपने? ओके, सर 555 टाइमर ज्यादा आइडिया नहीं है बस। मैम क्या एप्लीकेशन होती है 555 टाइमर की? सर बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर की तरह वर्क करता है सर 555 टाइमर। होता है बाईस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर? क्या होता है, क्या यूज होता है बाईस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर का? सर ये दो मोड में काम करता है। एप्लीकेशन क्या है, कोई एक एप्लीकेशन बता सकते हो बाईस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर की? एक एनालॉग एप्लीकेशन, एक डिजिटल एप्लीकेशन। नो आइडियाज। कंपैरेटर सुना है आपने? स्किमिट ट्रिगर के बारे में सुना है? क्या यस है वो, बाईस्टेबल नहीं है क्या? या तो यस प्लस वी सर सेट पे स्क्वायर वेव होगा या जनरेटर, माइनस वी सेट पे स्क्वायर होगा, वेव जनरेट करता है। राइट? या तो प्लस वी सेट पे होगा या माइनस वी सेट पे होगा। यस सर आउटपुट यस कब सर चेंज करती है? जब इनपुट थ्रेशोल्ड से ऊपर नीचे जाती है तभी आउटपुट चेंज करती है कि नहीं करती है? यस इसका सर मतलब एज ए उसमें कंपरेटर। बाईस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर हुआ कि नहीं हुआ। अब बात आती है यस सर अस्टेबल की। इसके 555 टाइमर का आप अलग अलग मोड में यूज कर सकते हो, बाईस्टेबल में यूज कर सकते हो, अस्टेबल में यूज कर सकते हो, मोनोस्टेबल में यूज कर सकते हो। अस्टेबल में यस क्या है, कोई भी स्टेट स्टेबल नहीं होता, तो फ्लक्चुएट होता रहता है, यस राइट? सर मोनोस्टेबल में एक यस स्टेट एक स्टेबल होती है आपकी। कुछ टाइम बाद वो फिर से दूसरे स्टेट को चेंज कर लेगा तो ये बेसिक स्टेबल। है। और डिजिटल एप्लीकेशन में आपने फ्लिप फ्लॉप पढ़ा होगा। फ्लिप फ्लॉप क्या यस होता है, सर या तो 0 होता है या 1 होता है। सर अगर 0 से यस 1 जाता तो क्लॉक देनी पड़ेगी, 1 से 0 आना तो क्लॉक देनी ट्रांजिशन पड़ेगी, ऐसा है कि नहीं है? यस सर क्लियर ये चीज, राइट? ओके, कैन यस बी यस मूव सर आउट। यस। ऑपरेशनल एम्पलीफायर कितने रीजन में काम करता है ये बताओ। सर रीजन ऑपरेशन एम्पलीफायर का हाँ, कितने रीजन में काम करता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर बताइए। नहीं, रीजन समझ में नहीं आ रहा मुझे। जैसे ऑपरेशनल एम्पलीफायर का क्या क्या मोडिंग ऑपरेटिंग मोड है, कहाँ कौन कौन से मोड में काम करता है? लीनियर ऑपरेशनल एम्पलीफायर और नॉन लीनियर ऑपरेशनल एम्पलीफायर में क्या फर्क होता है ये बता दो मुझे। लीनियर एंड नॉन लीनियर नो आइडियाज। ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आउटपुट वर्सेस इनपुट करेक्टर्स पता है आपको क्या होता है? आप नो अगर मैं सर आपको बोलूं वाई एक्सिस पे आउटपुट लो, एक्स एक्सिस पे इनपुट लो, तो आपको पता है करेक्टर्स क्या होता है? नो सर आपने देखा होगा ना, सबसे पहले लीनियर जाता है, फिर सेचुरेट हो जाता यस है, ऐसा सर होता है कि नहीं होता है? तो इसका यस मतलब सर जहां पे आउटपुट आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनपुट है वो क्या वो काम करेगा, लीनियर रीजन एज अ लीनियर एम्पलीफायर लीनियर काम करेगा, ठीक है? यस सर अगर आप उस इनपुट से ऊपर रेंज करोगे, अगर आप उससे ऊपर इनपुट देना स्टार्ट करोगे तो सेचुरेशन में चला जाएगा। यस सर सेचुरेशन का मतलब सेचुरेशन क्या, वो कांस्टेंट ही रहेगा आप कितना भी एक चेंज फिक्स करो। वैल्यू ऑफ आउटपुट आएगी।
आउटपुट डायरेक्टली यस सर प्रोपोर्शनल टू इनपुट वाला रिलेशन वैलिड ही नहीं होगा, क्योंकि सेचुरेट हो चुका है, और सेचुरेट जब होने का मतलब यस होता है सर कि आपकी शेप चेंज हो रही है, आपका मतलब नॉन लीनियर बन रहा है वो, समझ गए बात, क्लियर? यस हेलो, सर एम आई यस ऑडिबल? सर यस सर कोई डाउट इसमें? अच्छा, नो सर। सर एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो हाँ, एक मुझे एप्लीकेशन बताओ ऑपरेशनल एम्पलीफायर की, इन लीनियर और एक नॉन लीनियर मोड में क्या क्या एप्लीकेशन होती है? हाँ लीनियर नॉन लीनियर में एप्लीकेशन सर जी, सर अभी मैंने आपको लीनियर नॉन लीनियर समझाया ना, तो एप्लीकेशन क्या होती है इसकी? यस सर सर नॉन लीनियर में तो होगा लॉग एंटी लॉग यार लीनियर रीजन में एज अ एम्पलीफायर काम करता है, क्या काम करता है? एज अ एम्पलीफायर काम करता है। यस नॉन लीनियर रीजन में सर क्या काम करता है? एज अ ऑसिलेटर। यस सर पॉजिटिव फीडबैक अभी थोड़ी देर पहले मैंने स्कीमेट ट्रिगर की बात की, वो कहाँ पे बनता है? पॉजिटिव यस फीडबैक में सर बनता है कि नहीं बनता है? पॉजिटिव फीडबैक है, जब भी यस आपका सर ऑपरेशनल एम्पलीफायर जाएगा वो क्या हो जाएगा? नॉन लीनियर हो जाएगा। यस सर नहीं समझे और बात यार, नेगेटिव ठीक है? फीडबैक रहेगा हाँ, तो एज ऑसिलेट सर अस्टेबल वो वाइब्रेटर, मोनोस्टेबल, बाईस्टेबल, ये सारे क्या है? ये नॉन लीनियर एप्लीकेशन है। प्रैक्टिकल जी सर कंपैरेटर नॉन जीरो नॉन लीनियर एप्लीकेशन है, राइट? ओके, क्लियर? एडर सबट्रैक्टर ये सब किस में आएंगे ये तो लीनियर में ना यार, ये आपके वर्चुअल ग्राउंड के साथ आपके एप्लीकेबल होते हैं। जहां पे वर्चुअल ग्राउंड एप्लीकेबल होता है वो यस आपका सर लीनियर रीजन होता है, समझ गए बात यहां से, लॉग राइट? एंटी लॉग सब लीजिए होंगे सर हाँ जी, सारे लीनियर है। जो ऑसी सिंपल सा एम्पलीफायर लीनियर, ऑसिलेटर नॉन लीनियर, मतलब जहां पे आप ऑपरेशनल एम्पलीफायर को ओके एज एम्पलीफायर यूज कर रहे हो वो लीनियर रीजन होगा, राइट? जहां लीनियर पे आप ओके उससे सर ऑसिलेशन का काम करा रहे हो वो नॉन लीनियर रीजन होगा। ऑसिलेशन अलग अलग तरह के हो सकते हैं, राइट? ओके, फाइन। अच्छा, यस मॉस्फेट कितने रीजन में काम करता है? सर मॉस्फेट डिप्लेशन मोड एनहांसमेंट अगर मोड दो मोड में काम कर रहा है मैं एनहेंसमेंट ओनली मॉस्फेट की बात करूं तो कौन कौन से मोड में काम करता है? सर सेचुरेशन में कट ऑफ में और लीनियर में सर तीन मोड अच्छा, सेचुरेशन में क्या एप्लीकेशन होती है मॉस्फेट की? एज एम्पलीफायर एज एम्पलीफायर। अगर मुझे इसको एज अ आइडल यस करंट सोर्स यूज करना हो तो किस अजम्पशन के साथ करूंगा और कौन से मोड में यूज करूंगा? हाँ आइडियल करंट सोर्स सर जी, सर आइडियल करंट सोर्स सेचुरेशन में ही यूज होगा कॉमन ड्रेन किस किस अजम्पशन के साथ करते? चलो ठीक है, सैचुरेशन भी समझ गया, किस अजम्पशन के साथ करते? कोई अजम्पशन मानते हैं कि ठीक है सैचुरेशन में हो गया तो ठीक है काम करेगा? यस सर क्या क्या अजम्पशन होती है? कंडीशन होती है सर अगर मेरे को VDS आइडल करंट, अगर मेरे को आइडल करंट सोर्स यूज करना तब क्या कंडीशन होती है, बताओ? आइडियल करंट सोर्स मॉस्फेट आइडल का सर करंट सोर्स के लिए आउटपुट रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? इनफाइनाइट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इनफैक्ट आउटपुट रेजिस्टेंस आइडियल करंट सोर्स का यस सर हाँ, इनफाइनाइट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आई मीन यस सर इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए उसका कि नहीं होना चाहिए, राइट? यस सर जब आप यानी गेट ऑपरेशनल में कोई एम्पलीफायर लीकेज को कर सैचुरेशन मोड में, सैचुरेशन मोड में ऑपरेट कराओगे और विद जीरो यस चैनल लेंथ सर मॉड्यूलेशन, चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन को आप नेगलेक्ट करोगे तो कर्व क्या बनेगा? यस सर फ्लैट बनेगा कि नहीं बनेगा? आईडी वीडीएस का कर्व। यस सर अगर आप चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन दोगे तो कर्व क्या बनेंगे? स्लोपी बनेंगे कि नहीं बनेंगे? स्लोप बनेगा यस तो इसका मतलब आइडल किसके लिए होता है? कांस्टेंट के लिए होता है कि स्लोपी के लिए होता है? किसके लिए होता है आइडल? सर आइडियल आइडियल स्लोप के लिए होगा सर स्लोप के लिए कैसे होगा आइडल? करंट का, आइडल करंट का कर्व क्या होता है बताइए? आइडल नहीं करंट सोर्स वो सर होता है कांस्टेंट के लिए होगा सर जो कांस्टेंट के लिए होगा कोई कोई भी ड्रॉप नहीं वोल्टेज के लिए आपको कांस्टेंट करंट दे, वो आइडल करंट सोर्स होता है। तो यस क्या सर बनेगा, कांस्टेंट वाला बनेगा कि नहीं बनेगा? कांस्टेंट बनेगा आप सर क्या बोलोगे कि सर मैं मॉस्फेट को यूज करूंगा सेचुरेशन में और मैं एज्यूम करूंगा कि वहां पे कोई भी चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन नहीं हो रहा, नेगलेक्ट करूंगा उसको, ठीक है? ओके, ठीक। यस सर चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन नेग्लेक्ट करेंगे तो क्लियर शमशाद? थोड़ा यस सा प्रिपेयर करो यार, थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो आप, ठीक है? मतलब बेसिक बेसिक टर्मिनोलॉजी में आप कंफ्यूज हो रहे हो, आई डोंट नो व्हाई। यस सर ऑपरेशनल एम्पलीफायर का लीनियर नॉन लीनियर पूछा मैंने, वो आप नहीं बता पा रहे, बहुत फंडामेंटल चीज है वो, राइट? ओके, तो हर एक का यस सर आंसर मैंने आपको साथ साथ में दिया है, प्लीज प्रिपेयर करो, और जितने क्वेश्चन आपको दिए हैं पैनल में, पोर्टल में, उसके नीचे, उन सबको अच्छे से प्रिपेयर करो, राइट? ओके, ओके सर ठीक है शमशाद? ओके, थैंक यू। जी सर ओके, यू मे थैंक्स लीव प्लीज।